बोलते हैं कि एवरी बॉडी, स्टेटमेंट लिखते हैं, एवरी बॉडी रिमेन्स रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट पे रहे या यूनिफॉर्म मोशन रहे, यूनिफॉर्म मोशन लेकिन कौन से लाइन में, इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर यूनिफॉर्म है मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फिर भी वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है अभी भी, है ना। इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब सिंपल है कि अगर किसी बॉडी को, है ना, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे आप, तब तक वो बॉडी का स्पीड बढ़ेगा नहीं। मतलब अगर रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, हमें आसानी से समझ में आता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, हिल ही नहीं रही, वेलोसिटी जीरो है, मतलब रेस्ट पे है, कब तक नहीं हिलेगी, जब तक इसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे। ये बात तो हमें इजीली समझ में आती है, रेस्ट के केस में हमें बातें इजीली समझ में आती है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नेचुरली उसको, उसकी स्पीड है अगर 20 मीटर पर सेकेंड और वो स्ट्रेट लाइन में भी जा रही है, ये कब तक उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो इसकी स्पीड अगर 30 हुई या उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई तो भी हम बोलेंगे कि सम एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बॉडी रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब है जब तक इस पे फोर्स नहीं लगेगा तब तक इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है, चेंजेस आने के लिए हमें क्या लगता है, फोर्स। चेंज अगर चाहिए आपको तो लाइफ में फोर्स लाना जरूरी है। समझ में आया, कुछ किसी भी प्रकार का चेंजेस हो फोर्स आएगा जरूर। समझ में आया, ठीक। तो फोर्स जब भी आएगा, चेंजेस के चेंजेस जब भी आएंगे फोर्स की वजह से आएगी। तो दिस इज व्हाट सेज। तो पहला लॉ ये बोलता है कि अगर फोर्स जीरो है तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फोर्स अगर लाना है तो आपको चेंजेस अगर लाने हैं तो आपको फोर्स लाना जरूरी हो, ठीक है। समझ में आई बात, चलो फिर इसको कर लो कंप्लीट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है उसका अगर हम डेफिनेशन देखें, तो इफ टू डिफाइन मोमेंटम, क्या बोल रहे हैं कि इसको अगर सेकंड लॉ का हम सीधा सीधा डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके बारे में हमें बताता है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर नहीं करना है। लेकिन अगर उसको हमें डिफाइन करना है तो हम बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by it and it is measured by the product of mass and its velocity। तो मोमेंटम क्या होता है हमने देखा है, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, ये हमें पता ही है। प्रेशर हमने अलग सी चीज देखी है, वो आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा। मोमेंटम इज आल्सो डिनोटेड बाय पी, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर हमने देखा। तो मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है।
तो ये चीज है। अब अगर मैं इसको और इलेबोरेट करूं, मास, मास को हम क्या दे सकते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मास का केजी, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर हमें सीजीएस यूनिट में लिखना है, एस सीजीएस यूनिट में लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मोमेंटम को इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम चेंज इन मोमेंटम की बात करने वाले हैं, कि यहां पर हम लोग ने न्यूटन सेकेंड लॉ जो किया उसके लिए हमने पहले मोमेंटम का सहारा लिया, लेकिन हमें हमें इसको प्रूव करना है। तो देखते हैं आप कैसे प्रूव करेंगे। तो अगर मोमेंटम है, मतलब पार्टिकल के पास मास तो होता ही है, उसकी कुछ वेलोसिटी होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी सपोज v1 है, ठीक है, या इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लेते हैं हमेशा u, चलो u इज द इनिशियल वेलोसिटी। अब इसको फोर्स लगा, फोर्स लगेगा तभी इसकी स्पीड चेंज होगी, तो इसकी स्पीड हो गई v, और मास तो अभी भी उतना ही है। सो इफ वी हैव अ पार्टिकल जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, p1 से अगर मैं डिनोट करूं m इंटू यू, इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू v, ठीक है। तो अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज किसी भी चीज का चेंज क्या होता है, फाइनली तू कैसा था और पहले तू कैसा था, चेंज कितना आ गया, p2 माइनस p1, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, m v माइनस m u, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, राइट। समझ में आ रही है बातें। तो मैं m कॉमन ले लेता हूं, और यहां पर क्या आ जाएगा, m v माइनस u, तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक, चेंज इन मोमेंटम मिला हमें। तो चेंज इन मोमेंटम अगर हमें मिला, तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, देखो चेंज इन मोमेंटम इसमें आप सीधा सीधा ये करो कि अब हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, वी माइनस यू बाय टी। तो हमें पता है एम वी माइनस यू बाय टी, मतलब न्यूमरेटर जो है वो क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, मतलब p2 माइनस p1 लिख सकता हूं मैं, डिवाइडेड बाय टी। तो फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो वैल्यू है ना, एम वी माइनस यू का p2 माइनस p1 लिख सकता हूं, ठीक है। सो व्हेनेवर वी राइट ऑल दिस थिंग्स, हम लिख सकते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इंटू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तो है ही है, सिंपल है, लेकिन इसको और एक नाम दिया जाता है, फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका लिखने का और एक तरीका है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज व्हाट द कंक्लूजन इज, ठीक है। फिर जो भी यूनिट ऑफ फोर्स होगा सीजीएस सिस्टम में, दैट इज गिवन इन डाइन, एसआई यूनिट में दैट इज गिवन इन न्यूटन, फिर हमने उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखा ही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें से कर ही सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। सो दिस इज व्हाट योर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज। फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड लॉ के तरफ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो तीसरा लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इसको, सिंपल है कि अगर कोई एक बॉल है और आपने अगर किसी बॉल को स्ट्राइक किया यहां पे, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग द बॉल विल बाउंस बैक, वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आपने एक्शन किया है ना, फोर्स एग्जर्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल, यहां पर क्या हो रहा है, फोर्स
बाय बॉल ऑन द वॉल. दिस इज वॉल, दिस इज बॉल. एंड हियर क्या हो जाएगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द वॉल ड्यू टू रिएक्शन फोर्स. यहां पर क्या लिखेंगे हम? फोर्स फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द वॉल. ठीक है, तो जब भी बाउंसिंग या वापस आने का जो ये होता है, दिस इज ऑल एक्शन रिएक्शन पेयर. तो हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट क्या होगा? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना? सो दिस इज योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर बुक यहां पर टेबल पे रखी गई है तो यहां पर भी एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है. बुक ने टेबल को दबाया, टेबल ने भी बुक को ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल दबाया. तो ये न्यूटन, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये वेट ऑफ द बुक बैलेंस हो जाते हैं. या फिर कोई इंसान चल रहा है रास्ते पे, ठीक है, तो अपने पीछे वाले लेग से वो अर्थ को पीछे एक्शन करता है, धक्का देता है और वो आगे बढ़ता है, तो अर्थ उसको आगे धक्का देती है तो वो सामने बढ़ जाता है, तो रिएक्शन फोर्स मिलता है उसकी. तो एक्शन रिएक्शन इज वेरी कॉमन एवरीवेयर. कि यहां पर हमको क्या मिल रहा है कि इसने अर्थ को धक्का दिया तो अर्थ ने भी उसको धक्का दिया, तो मैन इज फॉरवर्ड, हम फॉरवर्ड मूव करते हैं, दिस इज अर्थ. ठीक है, ऐसे आप सारे एग्जाम्पल इसमें देखेंगे विच इंक्लूड्स वॉट? थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये सारे की सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. या फिर आप बोट वाला एग्जाम्पल देखते हो, देखो यहां पे कि अगर कोई एक बोट है, बोट के एंड पे आप खड़े हो, है ना, और यहां से आप जंप करते हो बोट से, तो क्या होगा? पर्सन यहां पे पुश करेगा बोट को डाउनवर्ड्स, तो ये एक्शन यहां पर किया और बोट उसको पुश करेगी सामने, ये रिएक्शन हो गया. तो बोट कहां मूव कर दी हमने? अगर ऐसे ही बोट को जंप किया तो बोट इधर मूव करेगी, इंसान इधर मूव करेगा. ठीक है, हमेशा याद आती है. या फिर आपने देखा होगा कि गन, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हम इस चैप्टर में देखेंगे कि अगर ऐसी कुछ गन है आपके पास, गन कैसे निकालते हैं ऐसा, ये ट्रिगर है ना, तो क्या हो जाता है? जब भी शूट करते हैं गन से बुलेट, तो बुलेट तो आगे निकल जाती है स्पीड से, लेकिन ये गन झटका मारती है पीछे के साइड में, है ना, वापस झटका मारती है. दिस इज कॉल्ड एज रिकॉइलिंग, रिकॉइल करना. तो इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, विच स्टेट, दुनिया की सबसे फेमस स्टेटमेंट है कि टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो दिस इज नथिंग बट न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ. ठीक है, तो ये याद रखिए इन चीजों को, तब आपको बहुत मजा आएगा. तो देखते हैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, मजा आएगा. इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दिस इज योर चैप्टर. चलो, थैंक यू सो मच.